Good morning everyone. Today we will continue our previous topic, that is physical division of Jharkhand. Last class में हम लोग देख रहे थे झारखंड के धरातलीय स्वरूप को हम लोग कुछ 5 parts में divide किए हैं. Part region, हजारीबाग plateau, रांची plateau, राजमहल hills and चाईबासा plain. तो हम लोग लास्ट क्लास में पार्ट रीजन देख चुके थे. पार्ट रीजन का हाइट कुछ अबाउट 900 मीटर था. पार्ट रीजन हाइट 900 मीटर. और हम लोग ये भी देख रहे थे पार्ट रीजन इज द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू. पार्ट रीजन इज द हाईएस्ट प्लेट्यू, हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू और झारखंड, वी कैन से झारखंड, हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ झारखंड. लोवेस्ट प्लेट्यू हम लोग फिर हजारीबाग प्लेट्यू देख रहे थे. हजारीबाग प्लेट्यू को हम लोग अगेन अपर हजारीबाग प्लेट्यू एंड लोअर हजारीबाग प्लेट्यू में डिवाइड किए थे. अपर हजारीबाग प्लेट्यू का हाइट फ्रॉम सी लेवल था 600 मीटर एंड लोअर हजारीबाग प्लेट्यू का हाइट था फ्रॉम सी लेवल 450 मीटर. एंड लोअर हजारीबाग प्लेट्यू इज द लोवेस्ट लोवेस्ट प्लेट्यू ऑफ झारखंड. झारखंड का ये लोवेस्ट प्लेट्यू है. लोअर हजारीबाग प्लेट्यू इज़ द लोवेस्ट प्लेट्यू एंड अपर पार्ट रीजन इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ झारखंड. नाउ रांची प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू इज़ द लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ झारखंड. रांची प्लेट्यू लार्जेस्ट प्लेट्यू है झारखंड का. ये देख रहे थे दिस इज दामोदर बेसिन या दामोदर रिवर वैली, रिवर वैली. रांची प्लेट, दिस इज रांची प्लेट्यू. द एंड लास्ट हम लोग हजारीबाग प्लेट्यू में देख चुके थे. नाउ कम टू द राजमहल हिल्स. फोर्थ इज राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स. राजमहल हिल्स हाइट ऑफ राजमहल हिल्स इज 150 to 300 मीटर. ये प्लेट्यू नहीं है, ये कुछ हिल्स टाइप का पहाड़ी एरिया है. राजमहल हिल्स इसको हम लोग इसके कहते हैं ना. लोकेशन, राजमहल हिल्स का लोकेशन कहाँ है? लोकेशन देखें तो हम लोग क्या देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू. नॉर्थ ईस्ट ऑफ, नॉर्थ ईस्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू. छोटा नागपुर प्लेट्यू, नॉर्थ ईस्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू. छोटा नागपुर प्लेट्यू के ये नॉर्थ ईस्ट में है. कौन सा? राजमहल हिल्स. ये कुछ है, दिस इज राजमहल हिल्स, दिस इज राजमहल हिल्स. नाउ एक्सटेंशन, किस किस स्टेट में ये एक्सटेंडेड है, देन कौन कौन सा हो जाएगा, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा. ये राजमहल हिल्स का एरिया है. हम लोग देख रहे हैं राजमहल हिल्स का एक्सटेंशन कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक है. तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि आपका दिस इज़
संथाल परगना, ये संथाल परगना डिवीज़न पूरा आपका राजमहल हिल्स में आता है। नाउ कम टू द फेमस हिल्स ऑफ राजमहल हिल्स, हिल्स ऑफ राजमहल हिल्स, इसमें कौन कौन से हिल हैं? ये राजमहल हिल्स में टू टाइप्स के हिल्स आते हैं, दैट इज़ एक होते हैं शार्प हिल और पॉइंटेड और कॉनिकल हिल्स, शार्प हिल जिसको कि टोंगरी कहते हैं। राजमहल हिल्स में टू टाइप्स के हिल होते हैं, एक होते हैं शार्प हिल जिसको कि टोंगरी कहते हैं, एंड दूसरा होता है डोमल और डोम शेप्ड, डोमल और इसी को डोम शेप्ड को ही डोमल कहते हैं, डोम शेप्ड हिल, डोमल और डोम शेप्ड हिल जिसको कि डोंगरी कहते हैं, डोंगरी। शार्प हिल जो होते हैं उसको डोंगरी कहते हैं और जो डोम शेप्ड हिल होते हैं उसको डोंगरी कहते हैं, टोंगरी एंड डोंगरी। राजमहल हिल्स में एक शार्प हिल होते हैं, एक डोमल शेप्ड डोम शेप्ड हिल होते हैं, इसको हम लोग शार्प हिल को टोंगरी कहते हैं एंड डोम शेप्ड हिल को डोंगरी कहते हैं। इट फॉर्म्स नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे ये पूरा एरिया जो था इंडिया का, ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू था। तो हम लोग राजमहल हिल्स को देखें तो राजमहल हिल्स इज़ द इट फॉर्म्स नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, इट फॉर्म्स नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो सबसे नॉर्थ ईस्ट में कौन सा पेनिनसुलर प्लेट्यू के सबसे नॉर्थ ईस्ट में क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं राजमहल हिल्स इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। दैट इज़, दिस इज़ ऑल अबाउट राजमहल हिल्स। नाउ कम टू द चाईबासा प्लेन। राजमहल हिल्स एवरेज हाइट इज़ 150 टू 300 मीटर। लोकेशन इज़ नॉर्थ ईस्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, एकदम नॉर्थ ईस्ट छोटा नागपुर प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्ट में है। एक्सटेंशन ये 6 डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंडेड है, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ एंड जामताड़ा। राजमहल हिल्स में टू टाइप्स के हिल्स पाए जाते हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज शार्प हिल जिसको कि टोंगरी कहते हैं एंड डोम शेप्ड हिल जिसको कि डोंगरी कहते हैं। नाउ राजमहल हिल्स पेनिनसुलर प्लेट्यू के एकदम नॉर्थ ईस्ट में है। हम लोग जब लास्ट क्लास में इंडिया का मैप देख रहे थे तो पेनिनसुलर प्लेट्यू देख रहे थे, तो उसमें सबसे नॉर्थ ईस्ट में जो है दैट इज राजमहल हिल्स। नाउ कम टू द चाईबासा प्लेन। प्लेन रीजन हम लोग देखने जाएँ झारखंड का प्लेन रीजन, तो चाईबासा प्लेन इज द फेमस प्लेन ऑफ झारखंड। नाउ कम टू द चाईबासा प्लेन। फिफ्थ वन इज चाईबासा प्लेन, ये कुछ है चाईबासा प्लेन, हियर चाईबासा प्लेन। नाउ चाईबासा प्लेन के साउथ में कोल्हान रेंज है। चाईबासा प्लेन के साउथ में दिस इज कोल्हान हिल। नाउ नॉर्थ ऑफ चाईबासा प्लेन, चाईबासा प्लेन के नॉर्थ में डालमा रेंज है, यहाँ डालमा रेंज, चाईबासा प्लेन के नॉर्थ में डालमा श्रेणी, कुछ इधर हम लोग कर सकते हैं डालमा या डालमा रेंज। चाईबासा प्लेन के साउथ में कोल्हान हिल है,
नॉर्थ में डालमा रेंज है एंड नॉर्थ ईस्ट में पोरहाट हिल है. नॉर्थ ईस्ट समवेयर हियर, नॉर्थ ईस्ट में पोरहाट हिल, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया एंड साउथ इज कोल्हान हिल. चाईबासा प्लेन के वेस्ट में सारंडा फॉरेस्ट, हेयर समवेयर हेयर वेस्ट में सारंडा फॉरेस्ट है. हम लोग इसको बाहर लिख सकते हैं, वेस्ट में सारंडा फॉरेस्ट है. डालमा रेंज, पोरहाट हिल, सारंडा फॉरेस्ट, कोल्हान हिल एंड ढालभूम रीजन, ये ईस्ट में ढालभूम रीजन है. इस एरिया में ये ढालभूम रीजन है. अगर हम लोग चाईबासा प्लेन बाहर में लिखे, चाईबासा प्लेन कुछ यहाँ, चाईबासा प्लेन, चाईबासा प्लेन अगर ये है तो इसके नॉर्थ में क्या है, डालमा रेंज, नॉर्थ में डालमा रेंज, साउथ में कोल्हान हिल, ये आपको याद रखना है. पूछा जाता है चाईबासा प्लेन के नॉर्थ में कौन सा क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, देन इट इज़ कोल्हान हिल्स. ईस्ट में ढालभूम रीजन, ढालभूम रीजन एंड नॉर्थ वेस्ट में पोरहाट, पोरहाट हिल, वेस्ट में सारंडा फॉरेस्ट. नाउ सारंडा फॉरेस्ट पूछा जाता है, एग्जाम पूछा गया है सारंडा फॉरेस्ट में कितने हिल्स होते हैं, तो सारंडा फॉरेस्ट इज द रीजन ऑफ 700 हिल्स. सारंडा फॉरेस्ट अ रीजन ऑफ 700 हिल्स, 700 वनों की पहाड़ियों का घर. इस सारंडा फॉरेस्ट को कहा जाता है 700 वनों की पहाड़ियों का घर, सॉरी 700 पहाड़ियों का घर, रीजन ऑफ 700 हिल्स, 700 पहाड़ियों का घर. हिंदी में अगर बोले तो 700 पहाड़ियों का घर सारंडा फॉरेस्ट का मीनिंग होता है, अ रीजन ऑफ 700 फॉरेस्ट. तो ये हो गया आपका चाईबासा प्लेन. चाईबासा प्लेन के नॉर्थ में डालमा रेंज है, साउथ में कोल्हान हिल्स है, नॉर्थ वेस्ट में पोरहाट हिल है, ईस्ट में ढालभूम रेंज है, वेस्ट में सारंडा फॉरेस्ट है. नाउ अगर ये हमारा कुछ मेन प्लेट्यू कौन कौन सा, ये तो प्लेन हो गया, ये दिस इज राजमहल हिल्स, चाईबासा प्लेन. प्लेट्यू जो मेन है हमारा पार्ट रीजन है, रांची प्लेट्यू है एंड हजारीबाग प्लेट्यू. नाउ कुछ स्मॉलर प्लेट्यू की बात करें तो ये सिमडेगा प्लेट्यू हो जाएगा, दिस इज पलामू प्लेट्यू हो जाएगा, पलामू प्लेट्यू. ब्रॉडली हम लोग ये पार्ट रीजन हजारीबाग प्लेट्यू एंड रांची प्लेट्यू में ही प्लेट्यू को क्लासीफाई करते हैं. ये हो जाएगा आपका लोअर हजारीबाग में कोडरमा प्लेट्यू, ये हो जाएगा आपका गिरिडीह प्लेट्यू जहाँ की पारसनाथ हिल है, गिरिडीह प्लेट्यू जहाँ की पारसनाथ हिल है. तिस एक बार फिर से हम लोग देखते हैं पार्ट रीजन, ये पार्ट रीजन है. पार्ट रीजन इज द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ झारखंड बट हाईएस्ट पीक इज प्रेजेंट इन गिरिडीह प्लेट्यू दैट इज इन लोअर हजारीबाग प्लेट्यू. याद रहे
पार्ट रीजन हाईएस्ट प्लेट्यू है, बट हाईएस्ट पीक जो है वो पारसनाथ हिल है, जो कि लोअर हजारीबाग प्लेट्यू के गिरिडीह प्लेट्यू में है। तो एंड लोअर हजारीबाग प्लेट्यू इज़ द लोवेस्ट प्लेट्यू ऑफ झारखंड। नाउ लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ झारखंड इज रांची प्लेट्यू, इज़ द लार्जेस्ट, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। ये तीन हम बातें भी हमें याद रखनी होगी। नाउ दिस इज गंगा प्लेन, ये जो है ये दिस रीजन इज गंगा प्लेन, दिस इज गंगा प्लेन या फिर गंगा बेसिन। यहाँ हम लोग कह सकते हैं दिस इज नॉर्थ कोयल बेसिन, दिस इज नॉर्थ कोयल बेसिन। वैसे हम लोग रिवर सिस्टम में ये चीज़ पढ़ेंगे, दिस इज नॉर्थ कोयल बेसिन, इम्पॉर्टेंट बेसिन या इम्पॉर्टेंट रिवर वैली, नॉर्थ कोयल वैली या बेसिन, नॉर्थ कोयल बेसिन। यहाँ कुछ साउथ कोयल बेसिन है एंड ये है आपका स्वर्णरेखा बेसिन, दिस इज साउथ कोयल बेसिन, समवेयर हेयर साउथ कोयल बेसिन। तो ये हम लोग देखेंगे, रिवर वैली पढ़ेंगे रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, वहाँ हम लोग बेसिन देखेंगे, बट हेयर हम लोग प्लेट्यू देख रहे हैं, हिल्स देख रहे हैं एंड प्लेन देख रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर फिजिकल डिवीज़न ऑफ झारखंड, फिजिकल डिवीज़न के बारे ऑफ झारखंड के बारे में इतने ही देखेंगे हम लोग, कुछ इसका क्वेश्चंस भी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू।